बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। वारासुनी में सरकारी भूमि कैसे बन गई प्राइवेट? वारासुनी में सरकारी भूमि कैसे बन जाती है प्राइवेट? कैसे पूरी भूमि को अपनी निजी बताकर किया जा रहा बैकऑफ काम? शिकायत के बाद भी नहीं की जा रही कोई जांच। उक्त आरोप लगाए हैं वारासुनी वार्ड नंबर 9 के लोगों ने, जिनका कहना है कि वर्षों से जो भूमि सरकारी थी, जिस पर नगर का कचरा सफाई कर्मियों द्वारा फेंका जाता रहा, वह अचानक कैसे निजी व्यक्ति की हो गई, जिस पर जेसीबी ट्रैक्टर के माध्यम से समतलीकरण किया जा रहा है। वारासुनी नगर में इस तरह की करतूत कोई नई बात नहीं, बल्कि वारासुनी इसी काम के लिए जाना जाता है। मामला नगर के कटंगी रोड से लगकर अयोध्या बस्ती के समीप की भूमि का, जो टोंडिया नाला के पास पड़ती है। शिकायत वार्ड वासियों का साफ कहना कि यह किसी की निजी भूमि अगर है तो वह साबित करे, साथ ही प्रशासन भी उक्त मामले की जांच कर वास्तविकता सामने लाए, अन्यथा वार्डवासी अपने स्तर पर आंदोलन करने बाध्य होंगे। देखिए यह पूरी रिपोर्ट, वारासुनी सुप्रीम पावर न्यूज की रिपोर्ट। इस वक्त है हम वारासुनी तहसील में। ग्रामीणों का आरोप है, यह जो आप जगह देख रहे हैं, यह जगह सरकारी जमीन है, यहाँ पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, ऐसे लोगों का आरोप है। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग हैं, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। सर, क्या बोलना चाहोगे आप, क्या तकलीफ हो रही है आपको? सर, ये वारासुनी वार्ड नंबर 9 अयोध्या बस्ती के पास का नाले के किनारे का एरिया है, जिसपे लगभग 70 साल से हमारे सफाई कर्मचारी, जो हम लोग, मैं भी खुद सफाई कर्मचारी परिवार से हूँ, वो लोग इसमें, जब से वारासुनी में नगर पालिका बनी है तब से सारे लोग इस पे कचरा फेंकते आ रहे हैं। और ये करीब उस समय गड्ढा हुआ करता था, आज 70 साल में आप जिस स्थिति में देख रहे हैं, अभी भी इस पे जब से ये लोग खुदाई कर रहे हैं तब से कचरा ही निकल रहा है। अभी 70 साल के बाद अब ये जगह प्राइवेट बन गई। कुछ लोग इस पे जो है भूमाफिया लोग, वो अपनी होना बताते हैं। तो हमारा आरोप ये है कि शासन प्रशासन की मिलीभगत की वजह से कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से खरीद बिक्री कर लिया है, जिसमें नगर पालिका के भी अधिकारी कर्मचारी शामिल हो सकते हैं और तहसील के भी। अभी जब हमने शिकायत की थी पिछले महीने 9 को, तब हमको बताया गया कि ये किसी शहर के किसी व्यक्ति की निकल गई है। तो भाई, उसका भी एक नाप होता है, अगर हो सकती है थोड़ी बहुत उसकी जगह होगी तो वो आए, प्रूफ कराए, रहे, कुछ नहीं, अवैध रूप से जेसीबियां चल रही है, आप देख रहे हो, यहाँ लगभग करीब 150 पेड़ हुआ करते थे इन कचरे के ढेरों के आसपास, वो काट दिए गए अवैध रूप से, वो नाले में दफना दिए गए, और सब पूंजीपति लोग इस पे कब्जा कर रहे हैं। तो हमारी शासन से मांग है कि अगर ये ज़मीन सरकारी है, प्राइवेट ना करते हुए उसको जो अवैध रूप से खरीदा बेचा गया है, उसकी सही रूप से जांच कराई जाए, और जो ज़मीन सरकारी यहाँ बस्ती है, वो हमारे सफाई कर्मचारियों के बच्चों को, जिनके पास में घर नहीं है, ज़मीनें नहीं है, और इस बस्ती के वो गरीब परिवार जिनके माता पिता ख़त्म हो गए, जिन बच्चों के पास घर नहीं है, ऐसे परिवार बहुत सारे, लगभग 100 से 150 परिवार है, आप देख सकते हो, स्लम बस्ती है, नाले के किनारे का एरिया, ये हमारी शासन से मांग है। जो हमने ये आवेदन शासन को दिया है, इसमें लगभग सारे लोगों के साइन भी है। आवेदन तो हमारे द्वारा इसलिए दिया गया है, कोई किसी से द्वेष नहीं, किसी से रोष नहीं, भाई हमने 70 साल से, जब से हम पैदा हुए, आज मेरी उम्र 40-42 साल, 50-50 साल के लोग, हमारे बड़े भाई लोग खड़े, छोटे भाई खड़े, जो स्वयं से ये हमारे भाई खड़े, जो स्वयं से ही सफाई का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे 70-50 साल से वो व्यक्ति कचरा फेंक रहा, तो आप बताइए, या तो वो अवैध था भाई, प्रशासन काम वो कर रहा सफाई कर्मचारी, और उसने जो काम किया है उसके बाद वो अगर बता रहा है कि ये भाई जगह प्राइवेट है, तो हमको समझ में नहीं आता कि शासन करना क्या चाहता है, कौन लोग मिले हैं, किस प्रकार से इसमें धांधली चल रही। इसकी शिकायत आपने किससे की थी? हमने तो माननीय SDM महोदय से की है शिकायत, पर्सनल रूप से हम 4-5 लोग मिले भी थे, उन्होंने दीपावली के हवाले को देते हुए अभी कुछ दिन पहले हमसे कहा था कि मैं 2-4 दिन में इसकी जाँच कराता हूँ। कितने दिन पहले शिकायत की थी आपने?
हमने 15 नाव को शिकायत की थी। 15 एक महीना होते आगे अभी? हाँ, एक महीने से ऊपर होगा। एसडीएम साहब ने क्या बोले थे? एसडीएम साहब ने कहा था कि दीपावली के 2-4 दिन में हम ये करते, तो वो तो नहीं हुआ, उल्टा ये प्लाट बन गया। ओके, तो मतलब इसमें आपको क्या डाउट हो रहा है? खुले तौर पर बात करो, आप घुमा फिरा के बात मत। नहीं, हमको तो डाउट ये होता है, चूंकि हमारे यहाँ यही नहीं, बहुत से और भी नगर में ऐसे मामले हो चुके हैं। इसमें साफ साफ जो है प्रशासनिक कर्मचारी जो पटवारी लेवल के होते हैं, नगर पालिका लेवल के, इन लोगों के साथ शहर के पूंजीपतियों से ले दे के जो भी इनका चलता है सिस्टम, उस तरीके से ये अवैध काम हुआ है। तो अभी आपकी क्या डिमांड है शासन से, अभी क्या कहना चाहोगे, क्या करना चाहोगे आप? हम इस पूरी जगह का, चूंकि यहाँ एक ही नहीं, मुस्लिम लोगों का कब्रिस्तान था, मुस्लिम लोगों की भी जगह है, कुछ एक आध दो लोगों के यहाँ पे और सामाजिक तौर पे जो कब्रिस्तान हुआ करते थे उनकी जगह आप देख रहे हैं, चीरघर बगल में है, चीरघर के जस्ट नीचे में मुर्दे दफन किए जाते थे, जो काम हमारे सफाई कर्मचारी करते थे। तो जहाँ दिन में कोई नहीं आता था, आज वहाँ बड़ी बड़ी प्लाटिंग करने की इच्छा लोग रख के, चूँकि बगल में रोड बन गई है, इस नज़रिए से इस जगह को जो है करोड़ों का हेरफेर करने के मंशा से जो है धांधली की जा रही है। तो आप इसका विरोध कर रहे हैं, इस जगह का विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसकी उच्च स्तरीय प्रशासनिक जो जाँच होती है वो होनी चाहिए, जिस भी लेवल का अधिकारी इसको जाँच करके पूरी की पूरी इसकी जाँच निकाले और इस वार्ड वासियों को जो है उनका हक दिलाए, ऐसी हम मांग करते हैं प्रशासन से। प्रशासन से मांग इनकी जारी रहेगी। कैमरामैन सोनू बिसेन के साथ सुप्रीम पावर न्यूज़ के लिए दुर्गा प्रसाद बर्वे, वाराणसी।